ये सत्ता विमर्श का YouTube चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत नेपाल के बीच लिपुलेख और कालापानी को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंह मेव जैते का तंज कसा है। ओली ने इशारों ही इशारों में कहा कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। कई राज्यों द्वारा स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं देने के बीच रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति अब जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने को रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इस नई SOP के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहां ट्रेन का समापन होना है। सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य हिस्से में पहुंच गया है। इसके बुधवार दोपहर तक बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के पास तट से टकराने की बात कही जा रही है। जब यह तटीय क्षेत्रों में पहुंचेगा तब इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ सिक्किम और मेघालय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। इसे 100 मरीजों से यहां तक पहुंचने में 64 दिन लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 49,10,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 3,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। इसे चीन की एक प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दवा से कोरोना वायरस को फैलने से भी रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा इस दवा का परीक्षण भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को पत्र लिखकर कहा है कि अगले 30 दिनों में अगर संगठन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो अमेरिका अपनी फंडिंग स्थायी रूप से रोक देगा। ट्रंप ने इस पत्र में WHO में अपनी सदस्यता पर भी पुनर्विचार करने की बात कही है। अमेरिका ने पहले से ही फंडिंग को अस्थायी रूप से रोक रखा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेम चंद गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सिंधिया और सिलावट को हराना है। भाजपा ने गुड्डू को पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी NBFC का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन NBFC का लाइसेंस RBI एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के नियमों के अनुसार काम नहीं करने पर रद्द किया गया है। इसके अलावा 9 NBFC ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। लातिनी अमेरिकी देश ब्राजील में COVID-19 के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। देश के सभी सरकारी अस्पताल क्षमता के हिसाब से 90% तक भर चुके हैं। हर रोज 7,000 नए केस सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 2.5 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।